भाई एक नंबर बने, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और क्या हो रहा है देखिए, ऐसा है कि सुबह हो चुकी है, अब नाश्ते का टाइम है। तो आज क्या है नाश्ते में? ना आज चाय है ना जलेबी है, आज है साउथ इंडियन डिश अप्पे। तो आज अप्पे खाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे होते हैं अप्पे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने खा लिया होगा, लेकिन अप्पे ठीक है, हेल्दी फूड है और ज़्यादा मसाला वसाला का यूज़ नहीं उसमें। सूजी यूज़ होती है, दही यूज़ होता है, जीरा यूज़ होता है, नमक यूज़ होता है और प्याज टमाटर लहसुन, नहीं लहसुन नहीं, धनिया यूज़ होता है। बस सब सबको मिक्स करके एक पैन आता है उसका, उसमें डाल दिया जाता है बस यही। अगर कहीं मीठी नीम मिल जाए, मीठी नीम का तड़का बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। तो हम लोग आज अप्पे खाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अप्पे की मेकिंग पूरी प्रोसेस और टेस्ट करके हम बताएंगे। जल्दी लाओ भाई अप्पे, कितना टाइम लगेगा अभी? सुबह हो चुकी, पेट बहुत जोरों से भूख लगी यार, नाश्ता करने का एकदम मन कर रहा है। लाओ भाई अप्पे बन गए, बहुत भूख लगी है। वेटिंग टाइम वो क्या मीठी सॉस की है। लाओ भाई आ गए अप्पे। अप्पे तो बन गए, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक है इनका, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये ऊपर से राई है, राई का छौंका तड़का लगा है। हम इसमें चिली सॉस डालेंगे जो कि इसको चख के बताना है कैसा है। देखना तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, भाई एक नंबर बने, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और ज़्यादा नमक भी नहीं है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं, बहुत अच्छे बने। हल्की हल्की दही सी, दही वाली फीलिंग भी आ रही है इसमें, बहुत बढ़िया, सुपर। आप भी अपने घर में जरूर दोस्तों से ट्राई करिए, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा ट्राई करना चाहिए आप लोग। लगभग इसको खाते वक्त लगता है कि इसको स्वाद को अंदर ही अंदर समझता रहूँ, चबाता रहूँ, ऐसा स्वाद है, बहुत बढ़िया। साउथ इंडियन डिश जितनी भी हैं उसमें ज़्यादातर जो है मैंने देखा हैवी मसाले यूज़ नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, दही यूज़ होगा, जो नेचर की चीज़ें हैं जो सेहत के लिए हेल्दी हैं। सूजी है तो गेहूं से बनी हुई चीज़, दही भी यूज हुआ है, कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज, मिर्च नॉर्मल का। और पकाने के लिए केवल स्टीम में पकाए, ये भी नहीं किसी बहुत ज़्यादा तेल मसाले चीज़ों का यूज़ हुआ हो, तेल का यूज़ हुआ हो, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भाप में पका हुआ है। एक बूंद तेल केवल नॉन स्टिक पैन में डालना है ताकि ये चीज़ आपकी चिपके ना, और बस हो गया। केवल इतना इसमें ये तेल का यूज़ है, बाकी बहुत हेल्दी है। तो वैसे भी हमारे घर गाँव से आता है हमारा,
सरसों का तेल तो उसी से बनाते हैं, तो उसमें कोई मिलावट नहीं, अभी तो शुद्ध ही है सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग रिफाइन वगैरह नहीं यूज़ करते, सरसों का तेल यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया, आप सबको भी ट्राई करना चाहिए। और आप लोगों को खाना हो तो अपना एड्रेस ज़रूर भेज दें, मैं आपको घर भिजवा दूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दूसरे साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। भाई को सपोर्ट करना है।